वेल दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विभू और आप मुझे देख रहे हो इंडिया रेव्स पर। आज हमारे साथ में लीड प्राइसेस जो है वो आ गई हैं। हमारे पास प्रेजेंट है मारुति न्यू विटारा, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो मैंने आपके साथ में शेयर की थी। जस्ट इन केस आपने वो वॉक अराउंड नहीं देखा है तो आई कार्ड में मैं आपके लिए डाल दे रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखें कि यहाँ पर जो लीक्ड प्राइसेस हैं वो अलग अलग सोर्सेज के द्वारा आई हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने हालांकि सबसे पहले बताया था कि ये लीक्ड प्राइसेस जो है वो सामने उभर के आई हैं और अलग अलग सोर्सेज ने, इनफैक्ट हिंदुस्तान टाइम्स ने और अलग अलग मीडिया हाउसेज ने जो है वो यहाँ पर इनको कन्फर्म करने की कोशिश की है रिपोस्ट करके। बट इसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है वो हम आने वाले टाइम पर ही बता पाएंगे। इसलिए शुरुआत ही में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि दीज कुड बी एक्सपेक्टेड प्राइसेस, बट जहां तक मुझे प्राइसेस ये नजर आ रही हैं वो मुझे काफी जेन्युइन प्राइसेस भी लग रही हैं। इनको कंपेयर करेंगे हम लोग क्रेटा के साथ में भी और देखेंगे कितनी बुकिंग्स आई हैं। उनके लिए जो है वो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वो लोग जो एक्चुअली विटारा कंसिडर करना चाहते थे उनके लिए वीडियो स्पेशली है। प्राइसेस मैं हर एक वेरिएंट का बताने वाला हूँ यहाँ पे। सो जस्ट इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, जल्दी से चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन और सारे नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पर पहुंचते रहेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि क्रेटा कितने प्राइसिंग में आ रही है। तो तकरीबन 10,44,000 रुपए की एक शोरूम जो है वो क्रेटा की प्राइसिंग अपने बेस वेरिएंट से स्टार्ट हो रही है। ऐसे में अगर आप यहां पर देखें क्रेटा के साथ में अगर इसको राइवल करें तो इसकी इंट्रोडक्टरी जहां तक ये प्राइसेस 9.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है मैनुअल ट्रांसमिशन सिग्मा वेरिएंट के साथ में। तो मैं आपको दोबारा से बोल देता हूं, एग्जैक्ट 5 ट्रिम में जो है वो ये लॉन्च होगी, 5 ट्रिम्स एंड 8 वेरियंट्स। तो अब मैनुअल भी होगा, ऑटोमेटिक भी होगा, 2 इंजन ऑप्शंस होंगे यहाँ पर। एक मारुति सुजुकी का K15 सीरीज का इंजन जो ऑलरेडी वो बहुत सारी गाड़ियों में दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो दोस्तों इंजन है ना वो ऑलरेडी आपने देखा है, K15 सीरीज का इंजन अर्टिगा में यूज होता हुआ है, आपने इसका इस्तेमाल होते हुए देखा है ब्रेजा के अंदर, नए वाली ब्रेजा, पुराने वाली ब्रेजा में भी आया करता था। ये इंजन फिलहाल जो है वो 103 bhp के साथ में यहाँ पर आएगा, 137 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है मैनुअल ट्रांसमिशन में, 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको इसी गाड़ी के साथ में ऑफर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि वो पावर फिगर्स एंड वो ड्राइव ट्रेन एंड वो ट्रांसमिशन जो अर्टिगा में एंड ब्रेजा में यहाँ पर आते थे सेम इज ऑफर्ड टू दिस कार। अब ये जो गाड़ी है, अब वेरिएंट्स की तरह बात कर लेते हैं, तो 4 मेन ट्रिम हो गए जिनमें से सिग्मा एक हो गया, फिर डेल्टा हो गया, फिर यहाँ पर अल्फा हो गया, फिर यहाँ पर जेटा हो गया एंड फाइनली अल्फा हो गया। अब ये जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में 4 वेरिएंट्स हो गए। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आपके पास में डेल्टा है, जेटा है एंड अल्फा है, यानी कि 4+3 हो गए 7। एक वेरिएंट दोस्तों ऑल व्हील ड्राइव के साथ में आएगा जिसका नाम अल्फा AWD रखा है यहाँ पे मारुति सुजुकी ने, और ये केवल और केवल एक ही वेरिएंट में आएगा, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। अब दोस्तों ये जो ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन है ना वो आपको लॉन्च होता हुआ नजर आएगा केवल और केवल 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ में, जिसके वेरिएंट्स मैंने आपके साथ में अभी बताए। गाइज मिलते हैं आज के स्पॉन्सर से, हम बात कर रहे हैं bootmo.com की। गाइज जब भी हम लोग जो है वो बात करते हैं किसी ऐसी गाड़ी की जो प्रोडक्शन में एक्चुअली खत्म हो गई है, या आपने ऑलरेडी एक ऐसी गाड़ी जो है परचेज की हुई है जो इंडिया में आप जो है जिसका प्रोडक्शन बंद हो चुका है या चली गई है इंडिया छोड़ के कोई कंपनी, ऐसे में स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की काफ़ी इश्यूज रहते हैं। और यहाँ पर bootmo.com इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन जो आपके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी को कभी ख़त्म नहीं होने देगी। तो जब भी आपको लगे कि आपका कोई पार्ट जो है वो मिसिंग है, आप बिल्कुल ऑनलाइन जाइए, bootmo.com को साइन इन कीजिए, अपने मैन्युफैक्चरर और अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और स्ट्रेट अवे वो आपको अलाइन कर देगा जो भी स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर खरीदना है। काफ़ी ईजी स्टेप है, आप चेक कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अब प्राइसिंग के बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो ये मैनुअल ट्रांसमिशन होगा, सिग्मा वेरिएंट में कॉस्ट करेगा 9,15,000 रुपीज। बहुत अमेजिंग प्राइसेस है। अगर इस प्राइस में लॉन्च हुई तो मुझे नहीं लगता कि अगले 6-8 महीने तक मारुति सुजुकी को फुर्सत मिलने वाली है, क्योंकि ये जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ये टॉप सेलिंग रहने वाली है। क्रेटा के सेल्स को मेरे ख्याल में ये बीट करने लायक प्राइसेस रहेंगी अगर यही प्राइसेस हुई तो। और ये प्राइसेस एक्चुअली पॉसिबल भी है, रीजन बीइंग 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन यूज किया गया है जो थोड़े से लोअर पावर फिगर्स के साथ में आता है, तो इसलिए इस लिहाज से आप देखो तो यही पेट्रोल इंजन जो है वो ब्रेजा में भी यूज होता है, तो वो 1.5 लीटर वाले जो टैक्स स्लैब है 4.3 या उससे ऊपर मीटर वाली कैटेगरी के लिए वो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है 9.5 लाख में भी पॉसिबल है मारुति सुजुकी के लिए प्लेस करना।
दूसरे वेरिएंट की यहाँ पे जरा बात करते हैं, डेल्टा वेरिएंट, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगा और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी आएगा। दोस्तों डेल्टा में इसकी प्राइसिंग जा रही वाली है 11 लाख रुपए, एग्जैक्ट 1.5 लाख रुपए अपने पुराने वाले वेरिएंट से महंगा होगा और तकरीबन 1.5 लाख रुपए आगे महंगा होगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी। दोस्तों जेटा वेरिएंट जो है वो यहाँ पे कॉस्ट करेगा 12 लाख रुपए, एग्जैक्ट 1 लाख रुपए जो है वो महंगा होगा और 13,50,000 रुपए यही वेरिएंट जो है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आएगा। अब बात करते हैं टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की, यानी के अल्फा वेरिएंट की। 13,50,000 रुपए में ये आपको कॉस्ट करेगा और अगर आप इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं तो 15 लाख रुपए का जो है वो यहाँ पे कॉस्ट करता हुआ नजर आएगा। तो ये मैंने आपके पास में ऑटोमेटिक एंड मैनुअल 4x2 ड्राइव ट्रेन ऑप्शन के बारे में यहाँ बता दिए। अब ऑल व्हील ड्राइव जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, अल्फा AWD में ही प्रेजेंट है, तो अल्फा AWD में आपको लॉन्च होते हुए नजर आएगा ये एग्जैक्ट 15,50,000 रुपए में, विच इज अ ग्रेट प्राइसिंग आई बिलीव। 15 लाख रुपए, 15.5 लाख रुपए अगर आप ऑल व्हील ड्राइव के साथ में गाड़ी दे रहे हो, अमेजिंग प्राइसेस। अगर ये प्राइसेस आई तो उम्मीद है कि मारुति सुजुकी के पास में भर भर के यहाँ पे सेल्स आने वाली है। और ये ऑलरेडी एक अपडेटेड प्रोडक्ट है, काफी सारे इसके अंदर फीचर्स ऐसे आते हैं जो एक्चुअली क्रेटा में भी अवेलेबल नहीं है, जिसमें से 360 कैमरा एक मुझे यहाँ पर याद आ रहा है और बहुत सारे कनेक्टेड फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिलती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं, अगर आप 1.5 लीटर का यहाँ पे हाइब्रिड इंजन खरीदते हैं, अगर आप हाइब्रिड खरीदेंगे तो वो दो ही वेरियंट में अवेलेबल होगा, जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस। तो ये वेरिएंट्स के नाम मैंने आपको बताया, जेटा प्लस एंड अल्फा प्लस। क्या प्राइसिंग जाएगी? 17 लाख रुपए जेटा प्लस वेरिएंट की यहाँ पर कॉस्टिंग करेगी एंड एग्जैक्ट 1 लाख रुपए महंगा होगा अल्फा प्लस में, जैसे कि आपने पहले भी देखा 18 लाख रुपए जो है वो कॉस्ट करने वाला है एज पर द सोर्सेज। सो ये प्राइसेस थी जो मुझे दोस्तों काफी उत्साहित कर रही है, अभी मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्राइसेस को लेके। आप कितना प्राइसेस को लेके एक्साइटेड है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये भी बताना कि कौन कौन से दोस्त हैं आपके जो एक्चुअली वेट कर रहे हैं। मेरे अभी फ्रेंड लिस्ट में मुझे 3-4 कॉल ऑलरेडी आ चुकी है, भाई ग्रैंड विटारा के बारे में कुछ अपडेट दो, ग्रैंड विटारा के बारे में अपडेट दो, कब प्राइसिंग आएगी। मुझे उम्मीद थी कि सितंबर के महीने तक जो है वो आपको यहाँ पे ये प्राइसेस के साथ में लॉन्च होती हुई नजर आती, बट जिस तरीके से मारुति सुजुकी ने जिस तरीके से प्राइसेस लीक हुई हैं तो बुकिंग जो है वो ऑलरेडी होनी स्टार्ट हो गई है। बाय द वे 6 दिनों में 13,000 बुकिंग जो है वो ऑलरेडी मारुति सुजुकी ने यहाँ पे अचीव की है, और विच इज अ ग्रेट नंबर आई बिलीव। और जिनमें से 4,000 बुकिंग जो है वो केवल साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया की थी, इनमें से 50% की जो बुकिंग है वो हाइब्रिड इंजन के साथ में लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी गाड़ी जो है वो और भी ज़्यादा माइलेज दे, क्योंकि आप जानते हैं फ्यूल प्राइसेस अभी फिलहाल क्या रेट में जो है वो मिल रही है मार्केट में। तो ऐसे में हाइब्रिड एक अच्छा ऑल्टरनेट हो सकता है उन लोगों के लिए जो डेली चल रहे हैं, जिनको चल रहा है 50-60 किलोमीटर रोजाना, उनके लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे साबित होता हुआ नजर आएगा हाइब्रिड का। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में ऐसे ही एक्साइटेड और एनर्जेटिक और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट वाली वीडियो, जो आप को इन्फॉर्मेटिव वे लगे वो अगर आपको देखनी है तो नीचे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें, अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लुकिंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ दोस्तों।